हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग आवर 19 लेसन, दैट इज आवर फ्रेंड्स एनिमल्स, जिसमें हमने एक स्पैरो की स्टोरी पढ़ी थी कि वो सीलिंग फैन से टक्कर खा के जो वो गिर जाती है, और जो बच्चे हैं वो उसकी क्या करते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको पानी देते हैं पीने के लिए, और वो जो वर्ड है फिर वो क्या करता है, वो उड़ जाता है और सभी बच्चे जो हैं वो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एक शंकर की स्टोरी, जिसके पास एक कैट थी, उसने 4 किटन्स को बर्थ दिया था, और उसने एक दिन देखा कि जो कैट है वो रो रही है, क्योंकि इसको उसका जो एक बच्चा था वो खो गया है। वो किसके पास था? मालिनी के पास। तो आगे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन, कि मालिनी ने फिर क्या किया होगा। तो उसने क्या किया था, उसने जो किटन था वो फिर से शंकर को वापिस दे दिया था। ठीक है, उसके बाद है, भोली इज मीनूस काऊ, ये काऊ है, तो लिखा है कि भोली नाम की जो काऊ है वो किसकी काऊ है, मीनू की। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली, ग्रेज होता है चरने के लिए, घास चराने के लिए, कि जो मीनू है वो डेली हर दिन जो है वो भोली को खेत में घास चराने के लिए लेके जाती है। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हिज लेग, कि एक दिन क्या हुआ कि एक जो स्कूटर था वो पूरी स्पीड से आ रहा था और भोली की लेग में जो है वो चोट लग गई है। आप देख सकते हैं इसकी लेग से जो है वो ब्लीडिंग हो रही है। द बाउंड वॉज ब्लीडिंग हैवीली, कि जो घाव था, बाउंड होता है घाव, उस घाव से बहुत ज्यादा खून जो है वो बह रहा था। वट विल पीपल इन मीनूस फैमिली डू, कि क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उसको वेटनरी हॉस्पिटल लेके जाएंगे और उसका वहां पे ट्रीटमेंट करवाएंगे। आगे लिखा है, चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल, द डंकी टू हैज अ लॉट ऑफ हिज वर्क, लुक एट द पिक्चर एंड राइट वट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डंकी, कि तो लिखा है कि चंदू धोबी जो है वो अपने डंकी की बहुत ज़्यादा केयर करता है, बहुत ज़्यादा देखभाल करता है, और जो डंकी है वो भी चंदू के बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आगे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, तो आपने बताना है कि इन पिक्चर्स में जो चंदू है वो अपने डंकी के लिए क्या क्या काम कर रहा है। तो पहले में आप देख सकते हैं ये अपने डंकी को नहला रहा है, बाथ इज हिज डंकी। नेक्स्ट में ही इज गिविंग ग्रास टू हिज डंकी, थर्ड में ही इज गिविंग वॉटर टू हिज डंकी, और फोर्थ में ही इज डेकोरेटिंग हिज डंकी विद फ्लावर्स। तो मतलब इसमें आपने यहाँ पे लिखने हैं कि क्या क्या काम ये कर रहे हैं, तो आप अपनी बुक में इसको फिल कर सकते हैं। Do you or any of your neighbors has a pet? क्या आपके पास या आपके neighbors के पास कोई पालतू जानवर है? Which one? बताना है कि कौन सा है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, What name have you given to your pet? कि आपने आपके pet को, जो आपका pet है कोई भी animal, उसको आपने क्या नाम दिया है? What do you do when your pet is? आप क्या करते हो जब आपके pet को hungry, भूखा होता है, हम उसको क्या करते हैं? We give him or her फूड। ठीक है, ये डॉग है तो उसको बिस्किट्स वगैरह दे देते हैं। फीलिंग हॉट और कोल्ड, हॉट या कोल्ड जब वो महसूस करते हैं, हॉट लगे उसको, गर्मी लगेगी तो हम कई बार उसको फैन लगा देते हैं, कोल्ड लगी तो हम उसको ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। टीज्ड बाय समवन, अगर उसको कोई तंग करता है तो हम, जो भी तंग करने वाला है उसको हम कहते हैं कि ऐसा वो ना करे। हार्ट, जब उसको चोट लगती है तो हम उसको वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान बीमार पड़ते हैं तो उनको भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो अगर हमने कोई पेट एनिमल रखा हुआ है या अगर हमें कोई सराउंडिंग में ऐसा कोई एनिमल दिखता है तो हमें उसका भी इलाज करवाना चाहिए। मतलब हमारी जो सिंपैथी होनी चाहिए वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ जो जान है वो सब में होती है, एनिमल्स की भी हमें उतनी ही केयर करनी चाहिए जितने की हम ह्यूमन बीइंग्स की करते हैं। वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, वी लुक आफ्टर देम टू, इन द टेबल बिलो आर द नेम ऑफ सम सच एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल। लिखता है कि हम पेट एनिमल्स जो हैं वो अपने घर में रखते हैं, हम उनकी देखभाल भी करते हैं, तो नीचे एक टेबल दिया गया है, आप इसको कंप्लीट करिए। यहाँ पे है नेम ऑफ एनिमल एंड व्हाई डू वी कीप देम, और उनको हम क्यों रखते हैं। तो जैसे डॉग है तो हम उसको रखते हैं अपने घर की रखवाली करने के लिए, टू
गार्ड अवर होम। सेकेंड में जैसे लिखा है यहाँ पे इट गिव्स मिल्क, तो मिल्क यहाँ पे काऊ या बफेलो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इट पुल्स द कार्ट, कार्ट किस में लगा होता है, हॉर्स कार्ट या बुल्लॉक कार्ट। ऑक्स क्या करता है, इट प्लोज अवर फील्ड, खेत में हल जोतने में हेल्प करता है। हैन, हैन का क्या यूज है, इट गिव्स अस एग्स। फिश, फिश खाने के काम भी आती है और एक्वेरियम में भी जो है वो लोग फिशेस को रखते हैं। आगे है वी लव इट, तो इसमें हम रैबिट या डॉग किसका भी किसी का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट वन इज हनी बी, तो हनी बी से आपको पता है इट गिव अस हनी, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ पे आप कोई भी पांच एनिमल्स जो है वो लर्न कर सकते हैं कि पांच या छह तरीकों से जो है वो एनिमल हमारे लिए किस तरह इम्पॉर्टेंट है। आगे है बर्ड बाथ, टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ, कि आपने एक मिट्टी का पॉट लेना है जिसका जो मुंह हो वो चौड़ा हो, वाइड हो। टाई द पॉट विद अ रोप एंड हैंग इट एट शोन इन द फिगर, फिर उसको आपने एक रोप के साथ बांध देना है और उसको लटका देना है जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। यह अर्दन पॉट है और इसको जो है वो पेड़ के साथ लटका दिया है। Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or a hook outside your house, कि उसमें आपने पानी डाल देना है और उसको या किसी ट्री के साथ ही अपने घर के बाहर हुक का यूज करके जो है वो लटका देना है। Pour water in it every day, इसमें आपने डेली पानी डालना है। Observe which words come to drink water, फिर आपने देखना है कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो पानी पीने आ रहे हैं। आगे है लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, कि हमारी तरह एनिमल्स भी क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए उनको पानी की जरूरत होती है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, कि पानी के साथ साथ और भी कई चीजें हैं जो ह्यूमंस को भी चाहिए और एनिमल्स को भी चाहिए। राइट द नेम्स ऑफ थ्री सच थिंग्स, इन्हीं तीन चीजों के नाम आपने लिखने, जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो सबको चाहिए, तो यहाँ पे आप कोई भी तीन नाम जो हैं वो लिख सकते हैं। यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट, यू नो दैट वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, सिमिलरली एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, कि आपने इस लिस्ट में फूड को भी इंक्लूड किया होगा और आपको पता है कि हम जो हैं वो डिफरेंट तरह के फूड खाते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। तो आगे फिर क्वेश्चन आंसर्स है, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे, बाकी प्रोसीड करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपने अपना लेसन और जो भी आपको क्वेश्चन आंसर अभी करवाए वो आप लोगों ने जो है वो लर्न कर लेने हैं, ठीक है। थैंक यू।